हेलो, कैसे हैं बच्चे आप सब। आई होप कि आप सब दिवाली के फेस्टिवल में बिजी होंगे, बट अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ रहे होंगे बच्चे। यार देखना, छोटी सी चीज है, अभी आप घर पे होंगे तो फेस्टिवल का माहौल होगा, ठीक है। घर पे सारे लोग बिजी होंगे कुछ ना कुछ करने में, ठीक है। मेक श्योर कि आप दिवाली मनाएं, बिल्कुल मनाएं, सेफ दिवाली मनाएं, बट बच्चे अपना मैक्सिमम टाइम आप स्टडी पे लगाएं। रीजन बताता हूं क्यों बच्चे। मैं बहुत पहले ही बोल रहा हूं कि कोई ऐसा डिसाइड नहीं है नीट का पेपर कब हो जाए, ठीक है ना। मे भी हो सकता है डिले भी हो जाए, मे भी हो सकता है डिले ना हो। तो आपका एक दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो केवल दिवाली के दिन ठीक है, पूरा दिन छुट्टी ले लेना, कोई काम मत करना, पढ़ना नहीं, मगर सिर्फ दिवाली के दिन, ठीक है ना। उसके आगे उसके पीछे ये दोनों टाइम अपना स्टडी पे फोकस रखना, ठीक है। बाकी दिवाली की जितने भी शॉपिंग है, जितने सेलिब्रेशन है, वो मम्मी पापा छोटे भाई बहन हैंडल कर लेंगे, उसका दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यार बच्चे। तो बच्चे अपन स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ ऋषि गुप्ता एंड हियर यू आर विद ई कैरियर यूट्यूब चैनल। बच्चे बच्चे ध्यान रखना कि अभी हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जो बेस है बेसिकली। बच्चे ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। और आज बच्चे हमारा लेक्चर नंबर 3 है यार, लेक्चर नंबर 3 है। बहुत कुछ सीख चुके हैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बच्चे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखा दिया था। कुछ और भी मेरे पास फोर्स ऐड होंगे, जैसे स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, वो आगे धीरे धीरे करते हुए अपन बढ़ेंगे। बट यहाँ पे जो मेरे मेन कॉन्सेप्ट है बच्चे, ठीक है ना, उसको अपन कर चुके हैं। तो अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फिर आगे भी देखते हैं कि क्या है। पहले छोटी सी बात करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बच्चे पहली चीज सीखी थी कुछ फोर्स के बारे में, जिसको मैंने नॉर्मल फोर्स बोला था, टेंशन फोर्स बोला था, ठीक है ना। नॉर्मल फोर्स को आप पता है, टेंशन फोर्स भी पता है। नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, उस काइंड का फोर्स होता है। टेंशन फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, पुल काइंड का फोर्स होता है। फिर बता पढ़ा हुआ था पुली, पुली मेरे पास मासलेस होता है, इस पे नेट फोर्स जीरो होता है। स्ट्रिंग भी मासलेस होता है, नेट फोर्स जीरो होता है, इसलिए स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन फोर्स सेम होता है। एम आई क्लियर, ठीक है। पुली पे भी चीजें मैंने पढ़ी हुई थी, इस पे कुछ क्वेश्चन भी करने हैं, तो ये सारी चीजें याद रखते हुए आप क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो सारी चीजें याद हो गई। फिर एक चीज मैंने पढ़ा हुआ था बच्चे, इक्विबिलियम याद है। इक्विबिलियम, इक्विबिलियम पे मैंने क्या बोला था, नेट फोर्स क्या होना चाहिए किसी भी सिस्टम पे, जीरो होना चाहिए। क्या सिस्टम रुका हुआ होना जरूरी है? नहीं सर, एक्सलरेशन यानी नेट फोर्स होना जरूरी है बस, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, क्या करके लाए हो, मुझे याद है कि मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन कुछ यूं था कि एक सरफेस ऐसे था, एक सरफेस ऐसे था, मेरे पास एक स्ट्रिंग ऐसे थी, एक स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग ऐसे नहीं थी, ऐसे स्ट्रिंग बिल्कुल नहीं थी हमारे पास। यहां पे बच्चे हमारे पास जो स्ट्रिंग था वो कुछ ऐसा था, एक एंगल थीटा पे वर्टिकल से मैं आपको बोला था कि ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और यहां पे मेरे पास एक एम मास का ब्लॉक लगा हुआ था और मैंने पूछा था, इसको रस्सी वन माना था, इसको टू, इसको थ्री। तो हर एक रस्सी पे टेंशन फोर्स, क्या याद आया क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन किया आप लोगों ने? नहीं किया, करना है बच्चे, ठीक है ना। जितना काम देता हूं एटलीस्ट उतना तो किया करो, काम ऐसे नहीं काम चलेगा यार, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना बच्चे, मैं क्या करूंगा बच्चे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा किसका, एक पॉइंट ए पे और एक इस ब्लॉक पे। तो पहले क्या इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं? सर बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ब्लॉक का मास एम है, तो फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले इनविजिबल फोर्स देखते थे, इनविजिबल फोर्स लगेगा एम जी, बिल्कुल चमका। फिर मेरे पास बच्चे एक टेंशन फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स रस्सी वन के कारण, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट है और रस्सी के अलोंग पुल टाइप का फोर्स, रस्सी वन है इसलिए टेंशन वन मान लिया। क्या स्प्रिंग इस ब्लॉक का कोई एक्सलरेशन हो रहा है? नहीं सर, इक्विबिलियम पे था, तो नेट फोर्स जीरो होगा, तो टेंशन टी वन इक्वल टू क्या एम जी हो जाएगा, चमक गया। चलो सर सही है। फिर पॉइंट ए के लिए बात करते हैं बच्चे, ध्यान से देखना। पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे तीन रस्सी कॉन्टेक्ट में, यानी तीन कॉन्टेक्ट फोर्स लगेंगे, एक रस्सी थ्री के कारण, एक वन के कारण, एक टू के कारण। सारे लोग इस ए पॉइंट पे खींचने वाला फोर्स लगाएंगे, तो रस्सी ए के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी वन फोर्स लगेगा, बोलो हाँ। टी वन, रस्सी टू के कारण इस डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स लगेगा, बोलो टी टू। रस्सी थ्री के कारण सर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, बोलो टी थ्री। क्या चमक गया सर, यहाँ पे सारी चीजें हो गई, अब कैसे सोल्व करें?
सर यहाँ पे आपने बताया था कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स यानी एक्स डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो, वाई डायरेक्शन पे भी नेट फोर्स जीरो, तो क्या करूं बच्चे, इस टी थ्री का कंपोनेंट एक्स और वाई डायरेक्शन में ले लूं? सर ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक कंपोनेंट यहाँ पे लूंगा, एक कंपोनेंट यहाँ। तो ध्यान से देखना बच्चे, अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ध्यान से देखना बच्चे, मैंने एक एक्स एक्सिस बनाया, एक वाई एक्सिस, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो यहां से बच्चे अगर टी थ्री है तो इसका ये एंगल थीटा आया, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा टी थ्री साइन थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा टी थ्री कॉस थीटा। एक्स एक्सिस में नेट फोर्स, वाई एक्सिस में नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो ये तो कंपोनेंट ले लिया। तो बच्चे यहां से देखना, वाई एक्सिस में देखूंगा तो टी वन इक्वल टू टी थ्री कॉस थीटा आ जाएगा, और अगर एक्स एक्सिस में देखूंगा बच्चे तो टी टू इक्वल टू टी थ्री साइन थीटा आ जाएगा। तो बच्चे यहां से ध्यान से देखना कि आपने टी वन की वैल्यू निकाली हुई थी, टी वन की वैल्यू आई थी एम जी, तो यहां से एम जी इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा टी थ्री कॉस थीटा, तो टी थ्री की वैल्यू बच्चे एम जी अपॉन कॉस थीटा। क्या ये चमक गया? अब सर जी टी टू की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखना, टी टू की वैल्यू टी थ्री साइन थीटा के, तो टी टू की वैल्यू आ जाएगा टी थ्री, जिसकी वैल्यू है एम जी अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा एम जी टेन थीटा। टी टू की वैल्यू भी निकल आई सर, टी वन की और टी थ्री की, तीनों की वैल्यू क्या निकल आई? इजी क्वेश्चन, गलत होगा क्या? नहीं। तो आगे चलते हैं बच्चे, एक क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, कह रहा है एक बंदा जिसका मास स्मॉल m है, इस बंदे का मास स्मॉल m है और इस लिफ्ट का मास कैपिटल m है बच्चे, और यहां से कह रहा है कि ये लिफ्ट मेरे पास अपवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है क्या? बिल्कुल सर, कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है। अब होता क्या है, लिफ्ट में एक पुली लगा रहता है, यहां पे एक मोटर लगा रहता है, ठीक है ना, यहां पे एक मोटर लगा रहता है। मोटर क्या करता है, घूमता रहता है, जब इसको ऊपर लाना होता है तो एंटी क्लॉकवाइज घूम के ऊपर, नीचे लाना होता है तो क्लॉकवाइज घूम के नीचे ले जाता है। क्या ये बात क्लियर है? अब यहाँ पे बच्चे ध्यान से देखना कि मैं अगर यहां से पूछू कि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो रस्सी में टेंशन कितना होगा, रस्सी में टेंशन बताना बच्चे, क्या करोगे? सर मैं इस लिफ्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, लिफ्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, लिफ्ट के अंदर राजू बैठा था, राजू का मास कैपिटल स्मॉल m, लिफ्ट का मास कैपिटल m। अब इस पूरे सिस्टम पे दो फोर्स लग रहे हैं बच्चे, एक कांटेक्ट पॉइंट, ये है कांटेक्ट पॉइंट, किससे जुड़ा हुआ है, रस्सी से, तो क्या टेंशन फोर्स लगेगा? सर टेंशन फोर्स ऊपर टी लगेगा, नीचे एम प्लस एम जी लगेगा। क्यों सर, क्यों? क्योंकि इस पूरे सिस्टम पे मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ये पूरा सिस्टम m प्लस m मास का है, तो वेट कितना लगेगा सर, m प्लस mg। तो यहां पे बच्चे क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि टेंशन की वैल्यू m प्लस mg आएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? अब मैं बच्चे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर देना, इसको मैं रब कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इसको मैंने रब किया और एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, क्या क्वेश्चन बता ले जाओगे? मैं कह रहा हूं सर, एक मैंने रस्सी खरीद के लाया, रस्सी की स्ट्रेंथ थी एस टी आर ई एन जी टी एच, रस्सी की स्ट्रेंथ थी कितनी, 1000 न्यूटन झेलने की। मतलब क्या है रस्सी की स्ट्रेंथ 1000 न्यूटन, कि रस्सी को 1000 न्यूटन से ज्यादा खींचेंगे तो रस्सी बच्चे टूट जाएगी। अब मुझे एक लिफ्ट बनाना है, मैं एक लिफ्ट बनाया, ठीक है ना, ये एक लिफ्ट बनाया, इस लिफ्ट का बच्चे वेट 10 केजी है, ठीक है ना, इस लिफ्ट का वेट 10 केजी है, और इस लिफ्ट को मैं इस रस्सी से यूज कर रहा हूं, ऊपर या नीचे चढ़ाने उतारने की बात कर रहा हूं। और बच्चे यहां पे मैं कह रहा हूं कि कोई एक बंदा कितने वेट तक का बंदा मैं इस लिफ्ट पे रख सकता हूं, मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने वेट तक का बंदा इस लिफ्ट में रख सकता हूं, इस मैं मान लेता हूं m, तो बताना बच्चे इस m की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कितना भारी आदमी इस लिफ्ट में उतार चढ़ाव यानी ऊपर नीचे कर सकता है, ये मेरा आंसर क्वेश्चन है। देखना बच्चे स्ट्रिंग की मेरे पास, अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, स्ट्रिंग की मैक्सिमम स्ट्रेंथ मेरे पास 1000 न्यूटन है, तो मैं टेंशन 1000 न्यूटन से ज्यादा नहीं ले सकता, ठीक है ना,
इसका मास m है, इसका मास 10 kg है लिफ्ट का, तो बच्चे बताना इस पे अगर मैं फोर्स देखूं ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितना लग जाएगा, m प्लस 10g, है ना। और बच्चे यहां से अगर मैं इक्वल करूंगा यानी 1000 न्यूटन इक्वल टू क्या होना चाहिए, m प्लस 10 और g की वैल्यू 10, यानी बच्चे ध्यान से देखना 100 इक्वल टू m प्लस 10, यानी जो मास है वो कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 kg, यानी बच्चे कितना हो जाएगा 90 केजी, यानी 90 केजी से ज्यादा अगर भार यहां पे मतलब 100 केजी का बंदा आ गया तो यार रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अगर 45 का है तब तो बचा रहेगा, अगर 90 का है तो भी बचा होगा, 90 से कहीं 0.1 ज्यादा हुआ तो रस्सी टूट जाएगी और लिफ्ट नीचे गिर जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है ना। इसी तरह से यार बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पूछते हैं, बाकी सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। सिंपल सी बात है, किसी भी बॉडी की स्ट्रेंथ, किसी भी रस्सी की स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है, सर 1000 न्यूटन दे रखी है, तो भैया स्ट्रेंथ उसकी 1000 न्यूटन झेलने की है, तुम 1000 से ज्यादा दे दोगे क्या होगा, टूट जाएगा यार, है ना। तो यही काम होता है, और तो कुछ है नहीं इसमें। चलो बच्चे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। फाइंड आउट ईच नॉर्मल फोर्स टू द फिगर, ये एक फिगर दिया हुआ है, यहां एक बुक है जिसका वेट 10 ग्राम है बच्चे, ये 10 ग्राम है, ध्यान से देखना, ये 10 ग्राम का मेरे पास बुक है। इस बुक पे बच्चे 5 न्यूटन का फोर्स मैंने ऊपर से लगाया, तो देखना कौन, एक सरफेस ये है, एक बुक का सरफेस ये है, और एक बुक का सरफेस ये है, और एक मैंने यहां 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो जितने सरफेस हैं उस सरफेस पे कितने कितने नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं ये आपको पता करना है। तो चलो बच्चे नॉर्मल फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बुक बनाऊंगा, सर बुक मेरे पास 10 ग्राम का है, क्या बात चमका। सर इस बुक का फ्री बॉडी डायग्राम देखूंगा, तो सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो दिखा दूंगा, तो भैया एक्सटर्नल फोर्स इस पे सर लग रहा है 5 न्यूटन ऊपर की ओर, क्या बना दूं, चलेगा। फिर सर यहां पे एक इस ब्लॉक का मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा mg, चलो वो भी मान लिया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर ये जो मेरे पास बुक था इसके दो सरफेस थे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, नीचे वाले सरफेस में बच्चे ध्यान से देखना क्या कोई, अगर यहां पे देखो अगर मैं किस हाथ से इस पे कुछ फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है ना, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस वाले कॉन्टेक्ट पॉइंट पे कितना लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल। ये नॉर्मल फोर्स किसके वजह से, इस सरफेस को मैं छत का सरफेस बोल लूं, सरफेस नंबर 1, और ये सरफेस मेरे सरफेस नंबर 2 है, तो बच्चे ये दो सरफेस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे हैं, तो केवल यहां पे नॉर्मल लगेगा। ये नॉर्मल फोर्स कौन लगाया, S1 लगाया किस पर, S1 ने लगाया S2 पर, है ना, ये नॉर्मल। अच्छा इस नॉर्मल की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो सर, क्योंकि ये ब्लॉक, ये मेरे पास बुक मूव कहीं नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, तो फोर्स भी सर 0 होगा। फोर्स ऊपर कितना लग रहा है सर, 5 न्यूटन, नीचे कितना लग रहा है, नॉर्मल प्लस mg, तो देखना ये 5 न्यूटन, ये नॉर्मल, m की वैल्यू सर 10 ग्राम थी, 10 ग्राम डिवाइड बाय ये हो गया मेरे पास 1000, केजी में चेंज कर लिया, इंटू 10, तो बच्चे कितना हो जाएगा, एक से ये कट जाएगा, तो नॉर्मल की वैल्यू 5 - 0.1, यानी नॉर्मल मेरे पास 4.9 न्यूटन लगेगा। क्या ये कौन लगाया बच्चे, ये सरफेस लगाया इस पर, है ना, S1 S2 पे लगाया। अब मैं जरा S1 के फ्री बॉडी डायग्राम पे देखता हूं, तो भैया S1 ने S2 पे लगाया N1, तो S2 भी S1 पे कितना लगाएगा, N1 ही न्यूटन फोर्स लगाएगा, यानी हर एक सरफेस दोनों कितना फोर्स लगाएंगे, 4.9 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। क्या ये बात चमक गया, कोई दिक्कत इसमें होनी भी नहीं चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ रहा हूं बच्चे, फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स। यहां पे मैं देखा कि एक पुली था, एम मास का ब्लॉक था, और यहां एक बंदा इस रस्सी से पकड़ा हुआ है, और ये क्या कह रहा है कि भैया मैं मिनिमम कितना फोर्स लगाऊं कि ये ब्लॉक मेरा उठ जाए, मतलब इस ब्लॉक को सिर्फ उठाने के लिए मुझे मिनिमम फोर्स कितना लगाना है। तो अब ध्यान से सुनना बच्चे, मैं कुछ फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, उसका ध्यान से देखते रहना। भैया यहां पे मेरे पास एम का ब्लॉक था, इसका फ्री बॉडी डायग्राम जरा बनाना। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय बच्चे सबसे पहले इनविजिबल फोर्स लगाता हूं, वो mg नीचे लगेगा। फिर बच्चे यहां पे एक कांटेक्ट पॉइंट मुझे दिखा, सर कांटेक्ट पॉइंट ये था, रस्सी से जुड़ा हुआ था, क्या बिल्कुल रस्सी से जुड़ा हुआ था, तो टेंशन फोर्स ऊपर लग जाएगा।
क्या मुझे बस इसे जस्ट ऊपर उठाना है सर, जस्ट ऊपर उठाना है, यानी टेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, सर mg के इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखना बच्चे, मैं ये पॉइंट, इस पॉइंट को पॉइंट बी बोलता हूं, इस पॉइंट बी पे डायग्राम जरा बनाना, देखना क्या होगा। इस पॉइंट बी पे एक तो ये बंदा नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, है ना, नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स एफ, और इसी पॉइंट पे बच्चे रस्सी फोर्स लगाएगा, रस्सी तो खींचने वाला फोर्स होता है ना, तो रस्सी खींचने वाला फोर्स यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा सर, टी ही लगाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने पढ़ा था रस्सी अगर आइडियल हो तो मेरे पास रस्सी के हर एक पॉइंट पे फोर्स क्या होता है, सेम होता है, रस्सी के हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होता है, तो यहां से बच्चे टी इक्वल टू एम जी आ गए, ये भी एम जी हो गया, तो इसको मिनिमम जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो एम जी होगा, क्या ये बात चमक गया। अच्छा, एम जी से ज्यादा लगाएगा तो क्या ब्लॉक उठेगा, हाँ बच्चे ब्लॉक उठेगा, मगर अब ब्लॉक एक्सलरेट करेगा, आगे क्वेश्चन करेंगे उस पर भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट समझना इसको मिनिमम उठाने के लिए एम जी के इक्वल फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, अगर एम जी से ज्यादा लगाया तो भी उठेगा, एम जी से कम लगाया तो नहीं उठ पाएगा भाई साहब, ये तो ये चीज समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो बच्चे छोटा सा और क्वेश्चन करें अपन, करें ना, चलो इस ये क्वेश्चन समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चे, इसको अभी रब कर रहा हूं, और एक छोटा सा क्वेश्चन और इसी तरह से मैं एक करूंगा, ध्यान से देखना बच्चे, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, एम ब्लॉक के मास को उठाना है और इस ब्लॉक पे एक बंदर लटका है, ठीक है ना, इस बंदर का मास कैपिटल एम मिनिमम कितना हो, ये मिनिमम कितना मास हो इसका कि ये ब्लॉक उठ जाए, मेरे पास क्वेश्चन ये है बच्चे, तो देखना अब इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, केवल फ्री बॉडी डायग्राम पे देखना, क्वेश्चन आपको भी पता चल जाएगा। पहले मैं इस ब्लॉक एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, इस एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो फोर्स क्या लगेगा, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सर एमजी फोर्स लगेगा, इसमें मुझे कोई दो राय वाली बात नहीं है, इस पर सर एक टेंशन फोर्स ऊपर लगेगा टी, सर यहां पे जस्ट ऊपर उठना है, यानी यहां पे ये टेंशन एमजी के इक्वल होना चाहिए, ये मुझे पता है। चलो बच्चे अब इस बंदर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, बंदर यहां पे था, मंकी मेरे पास, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, ठीक है ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाओगे सर, इस मंकी का वेट होगा एक तो कैपिटल एमजी, ध्यान से देखना बच्चे, ये जब लटका है इस पे तो क्या ये मंकी इस रस्सी पे कांटेक्ट पे है, सर कांटेक्ट पे है, तो अगर रस्सी के कांटेक्ट पे है तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स बिल्कुल लगेगा, टेंशन फोर्स इस मंकी को कहां खींच रहा होगा, ऊपर की ओर, तो इस मंकी पे टेंशन फोर्स लगेगा टी, और उस टी की वैल्यू मैंने निकाला है स्मॉल एमजी के बराबर है, तो अगर टेंशन स्मॉल mg के बराबर और ये मंकी कहीं एक्सेलरेट नहीं कर रहा है बच्चे, तो क्या मैं कह सकता हूं इस पे नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो तो कैपिटल mg इक्वल टू स्मॉल mg, m से m कटा तो कैपिटल mg की वैल्यू स्मॉल m के इक्वल होगी, इजी क्वेश्चन है, इजी है, इसी क्वेश्चन को अभी टिपिकल बना के, टिपिकल नहीं ठीक है ना, थोड़ा सा और थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे आगे सॉल्व करेंगे, बट अच्छा क्वेश्चन है, बेस क्रिएट कर रहे हैं बच्चे यहां पे बेसिकली आपका, ठीक है ना, मैं पहले कह रहा हूं कभी कभी बच्चों को ऐसा भी लगता है यार क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, बिना किए आगे निकल जाते हैं, मगर ये काम कभी मत करना, कतई मत करना, मैं लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, झेल जाओगे, क्यों, क्योंकि मैं कर चुका हूं और मुझसे गलती हुई थी पेपर में, इसलिए मैं बोल रहा हूं, कभी भी आपको ऐसा कभी लगने लगे ना सिंपल क्वेश्चन है नहीं करूंगा आगे बढ़ गया, गलत, आपको करना क्या है, जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि यार बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिना करे मत निकलना, आप मुंह जवानी उसको कर लेना, सिंपल है तो बिना पेन चलाए हो जाना चाहिए, अगर पेन चलाने की जरूरत है यानी क्वेश्चन ठीक है, अगर सिंपल है तो बिना पेन चलाए होना चाहिए, तो मैं यहां पे देख लूंगा कैसे, एमजी नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, टेंशन एमजी के इक्वल होगा, यहां पे भी टेंशन है तो मिनिमम फोर्स लगेगा टेंशन के इक्वल, क्लियर, फिर मैं करूंगा, जो गलती है बच्चे मैं बता रहा हूं उसको ध्यान में रखना ये चीज, ठीक है ना, ये गलतियां मत करते रहना, यहां पे ये क्वेश्चन करना बच्चे, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, फिर वही कि मैंने एक एम ब्लॉक का मास लिया है, यहां पे मेरे पास एक पुली, दो पुली और तीन पुली का यूज करते हुए इस एम ब्लॉक को मुझे उठाना है, पहले वाले क्वेश्चन में एक पुली यूज किया था जिसमें मैंने देखा था कि मिनिमम फोर्स मुझे उस ब्लॉक के वेट के इक्वल लगाना पड़ा था, अब इस वाले क्वेश्चन में बताना मिनिमम फोर्स कितना होगा, वीडियो बच्चे पॉज करना,
पॉज करना, एक बार सॉल्व करने के देखना, ठीक है। सॉल्व करने के बाद बच्चे आपका जो भी आंसर आया, मैं अभी जो सॉल्व कर रहा हूं उसमें देखना कि आपने कहां गलत किया, क्या किसी फ्री बॉडी डायग्राम में गलत किया या कैलकुलेशन में वगैरह वगैरह चीज, बट सॉल्व करना, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना, वीडियो पॉज करना और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, और अब देखना बच्चे कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, देखते जाना। फिर से वही बात, सर यहां पे मैं क्या करूंगा, इस ब्लॉक एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले सर आप क्या करते थे, मैं करता था सर एमजी फोर्स ग्रेविटेशनल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लगा दिया, कोई दिक्कत। फिर मैं देखता था सर कॉन्टेक्ट पॉइंट, कॉन्टेक्ट पॉइंट सर एक पॉइंट कॉन्टेक्ट का ये है, एक पॉइंट ये है, कॉन्टेक्ट पॉइंट वन, कॉन्टेक्ट पॉइंट टू। तो कॉन्टेक्ट पॉइंट वन पे मेरे पास सर टेंशन लगेगा, जिसे मैं टी वन बोल देता हूँ। कॉन्टेक्ट पॉइंट टू पे टेंशन फोर्स लगेगा, जिसे टी टू बोल देता हूँ। क्या टी वन टी टू की वैल्यू मुझे पता है? नहीं पता है। इस पॉइंट को मैं पॉइंट बी बोल रहा हूं बच्चे। अब मैं पॉइंट बी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। पॉइंट बी में बच्चे मैं इस आदमी ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाएगा, इसी फोर्स की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है मुझे, मिनिमम इसी मिनिमम फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बच्चे बताना कि अगर इस रस्सी पे टेंशन बच्चे टी वन माना, इस रस्सी पे टेंशन टी वन माना, तो ये पूरी रस्सी एक ही रस्सी है क्या? देखते जाना, ये पूरी रस्सी। तो अगर इस रस्सी पे टेंशन टी वन लगा, तो इस रस्सी के हर एक पॉइंट पे टेंशन टी वन लगेगा, यानी इस पॉइंट पे जो अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन है वो भी कितना लगना चाहिए बच्चे? टी वन लगना चाहिए। तो यहां से मुझे एक चीज तो पता चल गया सर, मिनिमम जो फोर्स होगा वो टी वन के इक्वल होना चाहिए, मगर टी वन कितना होगा सर मुझे नहीं पता। और इस वाले इक्वेशन, क्योंकि मास ये जो है इक्विलिब्रियम पे है, तो एक्सेलरेशन जीरो, एफ नेट जीरो होना चाहिए। तो यहां से मुझे एक चीज पता चलेगा, टी वन प्लस टी टू अपवर्ड में लगने वाला डायरेक्शन में फोर्स और डाउनवर्ड में लगने वाला डायरेक्शन फोर्स इक्वल होना चाहिए। टी वन प्लस टी टू इक्वल टू एम जी। क्या ये चीज क्लियर हो जाएगा मेरे पास? बिल्कुल सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना ही मुझे सर टी वन की वैल्यू पता है, ना ही टी टू की वैल्यू पता है, कैसे फाइंड आउट करूंगा? अब मैं पुली की फ्री बॉडी डायग्राम बनाना स्टार्ट करता हूं। ध्यान से देखना बच्चे, ये पुली नंबर मेरे पास, इसको पी मान लेता हूं, उसको क्यू, इसको आर। तो पुली नंबर क्यू का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। ध्यान से देखना, पुली क्यू का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो ये मेरे पास पुली है, इस पुली पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, देखना कहां कहां फोर्सेस लगेंगे मेरे पास। क्या ये पुली आइडियल पुली होगा? मैंने आपको पहले बोला था, अगर पुली के बारे में कुछ नहीं बोला है तो आप क्या मानेंगे? पुली मासलेस मानेंगे। मासलेस मतलब उस पुली पे लगने वाला नेट फोर्स हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या ये चीजें याद है? आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन भी कराया था, जिसमें पुली में अगर टेंशन टी यहां लग रहा था तो पुली पे अपवर्ड डायरेक्शन में टू टी लग रहा था, याद आ रहा होगा कुछ कुछ। चलिए यहां पे मैं फिर भी बेसिक से करता हूं। सर यहां पे तीन मेरे पास कॉन्टेक्ट पॉइंट है, एक कॉन्टेक्ट पॉइंट, दो कॉन्टेक्ट पॉइंट, तीन कॉन्टेक्ट पॉइंट। सर ये कॉन्टेक्ट पॉइंट पे ये वाला जो टी वन रस्सी है यहीं पे है, यानी यहां पे इस पुली पे टी वन एक टेंशन लगाएगा, कौन? रस्सी। कहां पे? खींचने वाले फोर्स पे। तो खींचेगा कैसे? इस डायरेक्शन में। इस पे भी सर टी वन फोर्स ही लगाएगा। ध्यान से देखना ना, टी वन क्योंकि रस्सी सेम है, रस्सी सेम है तो टेंशन इस पूरे रस्सी पे सेम ही होगा। तो सर यहां पे एक टेंशन लगा टी वन और एक यहां पे टेंशन लगा टी वन। अब देखना, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट टू लिया था, कॉन्टेक्ट पॉइंट पे टेंशन टी टू माना था, टेंशन टी टू माना था, और यही रस्सी तो बच्चे यहां पे भी कॉन्टेक्ट में है, तो कॉन्टेक्ट में है, टेंशन फोर्स है, तो खींचेगा कैसे? इस डायरेक्शन में। कितने से? टू टू, टी टू से। अब ध्यान से देखना बच्चे, ये पुली मेरे पास मासलेस है, मासलेस है तो नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो तो सर ऊपर फोर्स लग रहा है टी वन प्लस टी वन और नीचे लग रहा है टी टू, इसको इक्वल कर दूंगा तो मेरे पास बच्चे ये टी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टू टी वन। क्या ये बात क्लियर है? अब टी वन की वैल्यू बच्चे आ गई टू टी वन, टी वन की वैल्यू एफ के इक्वल थी, यानी टी टू की वैल्यू भी एफ के इक्वल हो जाएगी। अब इस इक्वेशन में टी वन टी टू की वैल्यू पुट करता हूं, टी वन की वैल्यू भी एफ थी, टी टू की वैल्यू कितनी आई बच्चे? टू एफ आ गई। तो यहां से एफ प्लस टू एफ इजकल टू एम जी, तो यहां से एफ की वैल्यू बच्चे एम जी बाई थ्री आ गया। समझने की कोशिश करना यार, पहले मेरे पास एक पुली था तो कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ा था? एम जी, यानी वेट के इक्वल। जबकि यहां पे मैंने जैसे ही तीन पुली लगाया तो मुझे कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ा? एम जी बाई थ्री। क्या मैं अब यहां पर कम फोर्स लगा के सेम मास के ब्लॉक को उठा सकता हूं? पुली में यूज ही इसीलिए करता हूं, जब बहुत भारी चीजें होती हैं तो मैं बहुत सारी पुली एक साथ यूज करके क्या करता हूं,
अपने अपना जो वेट है उसको कम कर सकता हूं, मतलब मुझे जो फोर्थ लगाना है उसको कम कर सकता हूं। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन है, मतलब देखने में हार्ड लग रहा है, इजी सेम क्वेश्चन। मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पे ही फोकस करूंगा, ठीक है? कैसे बनाऊंगा अभी ध्यान से देखना, आप एक बार क्वेश्चन वीडियो पॉज करना, स्क्रीनशॉट लेना, क्वेश्चन करने की कोशिश करना और उसके बाद बताना इस मिनिमम फोर्स की वैल्यू कितनी होगी कि ये एम ब्लॉक को, ठीक है ना, चलाने से रोक सके। ठीक है, देखना क्या है, व्हाट इज द मिनिमम मास ऑफ स्मॉल ब्लॉक सो बिग ब्लॉक विल नॉट मूव, मतलब स्मॉल ये एफ फोर्स मैंने लगाना है, स्मॉल ब्लॉक की वैल्यू कितनी होगी ताकि ये ब्लॉक मेरा चलना चले ना। अच्छा, अगर मैं कोई फोर्स नहीं लगाता तो ध्यान से देखना, ये ब्लॉक नीचे गिरता, ये ब्लॉक नीचे गिरता तो ये ब्लॉक यहां पे चलना शुरू कर देता, मगर मुझे ऐसा करने से रोकना है, क्या करूंगा ध्यान से देखना। फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, मुझे कुछ पता नहीं कि सर पहले किसका बनाऊं बाद में किसका बनाऊं, पहले किसी का भी बना लो, आपके दिमाग में आ रहा है चलो छोटे वाले का पहले बना लेता हूं, अच्छा लग रहा है छोटे वाले का बनाता हूं, स्मॉल एम का, स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या आएगा? सर पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा और यहां mg और यहां पे सर केवल एक ही कांटेक्ट पॉइंट है, एक कांटेक्ट पॉइंट, तो टेंशन फोर्स सर ऊपर लगेगा, t1 मान लेता हूं, तो यहां से पता चल गया सर t1 mg के इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए, मूव नहीं करेगा तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स नेट फोर्स कितना होगा, जीरो, इस वजह से t1 mg के इक्वल होगा। ठीक है सर, क्या मुझे t1 की वैल्यू पता है? नहीं पता है। अब दूसरे बॉडी पे जाते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं बन निकालने के लिए, अब मैं क्या करूंगा सर, इस कैपिटल एम वाले पे नेट फोर्स लगाता हूं, इस कैपिटल एम वाले पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो पहले तो सर कौन कौन से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप? सर पहले तो मैं क्या बनाऊंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कौन कौन से फोर्स आएंगे ध्यान से देखना, एक कैपिटल एम जी सर नीचे आएगा, अब कॉन्टेक्ट, एक मेरा एक्सटर्नल फोर्स एफ है, तो ये इनविजिबल और क्या हो गया एक्सटर्नल फोर्स, दो हो गया, तीसरा कॉन्टेक्ट टाइप का फोर्स, तो कहां कहां कॉन्टेक्ट पे है, एक ये पॉइंट कॉन्टेक्ट पे है, एक ये रस्सी से कॉन्टेक्ट पे है, एक ये रस्सी से कॉन्टेक्ट पे है, तो ये मेरे पास जो है सरफेस के कॉन्टेक्ट में है इसलिए नॉर्मल फोर्स लगेगा, एन बोल देता हूं। अब यहां पे बच्चे देखना, इस रस्सी को वन नाम दे देता हूं, इसको टू नाम दे देता हूं, तो यहां पे दो रस्सी से जुड़ा है तो टेंशन फोर्स लगेगा, तो टी यहां पे टेंशन फोर्स, यहां T1 पहले ही मान लिया था ना, तो इसको टू मान लेना रस्सी और इसको थ्री मान लेना, ना गड़बड़ हो जाएगा मतलब सॉल्व करने में, तो ये मेरे पास यहां पे टेंशन T2 लग गया और यहां पे टेंशन T3 लग गया। अब सर ना ही मुझे T2 पता है, ना T1 पता है, ना T3 पता है, यार क्या करो? अब सोच देखना, आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला याद होगा कि अगर मेरे पास यहां पे टेंशन T लग रहा है, यहां टेंशन T लग रहा है, तो पुली पे ऊपर टेंशन T2 T लगेगा, क्या ये चीज याद है? ये याद रखे रहना, याद हो गया, पता है अपने को, समझ में आ गया है, बट अपन इस रिजल्ट का यूज करेंगे किस वजह से, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के आया अपने को। तो यहां पे 2T लगा, यहां T और T, अब ध्यान से देखना, यहां पे बच्चे क्या टेंशन फोर्स T1 लगा था, T1 क्या ये सेम रस्सी है? देखते जाना, रस्सी सेम सेम सेम, और ये रस्सी भी, सारा रस्सी, सब रस्सी सेम है सर, है ना? तो इस रस्सी में T1 फोर्स, तो इस पूरे रस्सी में कितना टेंशन लगेगा? क्या T1 लगेगा? बोलो हाँ कि ना। अब ध्यान से देखना बच्चे कि इस पुली पे अगर मैं देखूं तो यहां पे टेंशन T1 लगा, यहां टेंशन T2 लगा, तो यहां पे टेंशन कितना लगेगा? 2T1। यहां पे भी टेंशन बच्चे कितना लगा? T1। यहां पे भी कितना लगा? T1। तो यहां पे भी, इस रस्सी पे भी टेंशन कितना लगेगा? 2T1। तो बच्चे देखना, क्या इस रस्सी पे टेंशन आपने T2 माना था, तो T2 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 2T1 की। और इस रस्सी पे टेंशन आपने माना था T3, तो वो भी 2T1 के इक्वल हो गई। तो बच्चे यहां से बताना, आप जो इक्वेशन लिखोगे यहां पे, अगर नेट फोर्स जीरो करना है भाई, इसको भी तो इक्विलिब्रियम पे रखना है, नेट फोर्स जीरो करना है, तो आप क्या लिखोगे? इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स एफ, इस डायरेक्शन में लग रहा है टी टू प्लस टी थ्री, है ना? टी टू प्लस टी थ्री लग रहा है, टी टू की वैल्यू कितनी आ गई सर? टू टी वन। और टी थ्री की वैल्यू कितनी आ गई सर? टू टी वन। और ये फोर्स एफ,
तो यहां से टेंशन T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, F बाई फोर, F बाई फोर, T1 की वैल्यू बच्चे F बाई फोर है, तो इसी को मैं F बाई फोर के इक्वल कर दूं, तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F बाई फोर जी, यानी मिनिमम मेरे पास m कितना हो ताकि ये ब्लॉक ना चले, तो क्या होगा F बाई फोर जी, है ना, क्लियर है ये चीज। कुछ नहीं करना है बच्चे, बस आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए चलना है। मुझे भी नहीं पता था कि किससे क्या चीज आएगा। आप एक पहले मैंने ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, भैया नहीं पता था टेंशन, टेंशन पता कर लिया, मुझे T1 नहीं समझ में आ रहा था, फिर मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो इतना पता चला ये फोर्स T2 और T3 के बराबर होगा और ये नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर होगी, इतना पता चला। मगर ना ही T2 पता था ना ही T3 पता था, अब दिमाग खराब हुआ कि भैया कैसे निकालेंगे, सब तो अननोन पैथा पड़ा है। फिर मुझे याद आया कि यार एक रस्सी अगर होती है तो उसमें टेंशन हर जगह सेम होता था, तो ये रस्सी में टेंशन हर जगह सेम होगा। और एक फंडा मुझे पता है कि अगर पुली है और पुली पे यहां TT लग रहा है टेंशन फोर्स, तो दूसरा रस्सी जो इसको बैलेंस करता था उस पे फोर्स लगता था 2T। तो यहां पे देखना, यहां भी T1 लग रहा है, यहां पे भी T1 लग रहा है, तो यहां पे इस रस्सी में जो टेंशन होगा वो कितना लगेगा, 2T1, और इस रस्सी में बच्चे जो टेंशन था उसी को T3 बोला था, 23 की वैल्यू 2T1 हो गया। इसी तरह इस पुली में मैंने देखा टेंशन T1, टेंशन T1, तो यहां पे 2T1 है, यानी 2T की वैल्यू भी 2T1 होगी। तो यहां पे पुट किया, T1 की वैल्यू F बाई फोर आ गई, T1 की वैल्यू F बाई फोर आ गई, यहां पे पुट किया तो चीजें खुद ही आ जाती हैं। क्लियर, देखने में लग रहा होगा बहुत खतरनाक सवाल है, मगर क्या खतरनाक है, नहीं है बच्चे, बहुत ईजी है। पूरे में आपको केवल एक चीज ध्यान रखना है कि फ्री बॉडी डायग्राम गलत नहीं हो। फ्री बॉडी डायग्राम गलत नहीं होने का केवल तीन तरीका है, इनविजिबल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स और कॉन्टेक्ट पॉइंट, दैट्स इट। ठीक है बच्चे, अपना अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं आ सकता पुली और इसका पूरा ले देके। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि यही सारी चीजें आपका बिल्डअप करेगी जब आप कंस्ट्रेन मोशन पढ़ोगे, वो भी चीजें जरूरी हैं। खैर नीट में बहुत बार क्वेश्चन नहीं आया मगर पूछा जा सकता है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चे आज का लेक्चर काफी है, जितने क्वेश्चन आज करे हैं उसकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में भी यूज होने वाला है और अपने को रिवीजन करते रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चे हैप्पी दिवाली, आराम से मनाइएगा, सेफ दिवाली करिएगा, ठीक है ना, गुजिया खाइए, मिठाइयां खाइए, खूब एंजॉय करिएगा, मगर सिर्फ दिवाली के दिन, दिवाली के दिन कोई बुक नहीं उठाएगा, केवल एंजॉय करेंगे अपन, ठीक है ना। तो बच्चे चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ, कुछ अलग तरह के फोर्स के साथ, ठीक है ना, और हैप्पी दिवाली, गुड डे बच्चे।